चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। उसके साथ ही लाइक और शेयर कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल के क्रिस्पी पकौड़े। क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लीजिए। बेसन ले लीजिए एक प्याली भर के, पालक बारीक कटी हुई एक प्याली, प्याज दो अदद, बंद गोभी बारीक कटी हुई आधी प्याली, आलू इस तरह से लंबे लंबे बारीक काट लीजिए आप दो अदद, हरी मिर्ची 3 से 4 बारीक कटी हुई, साबुत धनिया 1 बड़ी चम्मच, नमक हस्बे जायका, साबुत जीरा इसको थोड़ा सा आप क्रश कर लीजिएगा 1 बड़ी चम्मच, लाल मिर्ची मैंने ली है 2 छोटी चम्मच भर के, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, धनिया बारीक कटा हुआ 2 चम्मच, ऑयल चाहिए हमें पकौड़ों को तलने के लिए। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन ले लेंगे, फिर इसमें नमक पिसी हुई लाल मिर्च ये शामिल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपना बाकी का तमाम सामान डाल देंगे, पालक प्याज बंद गोभी हरी मिर्ची आलू धनिया जीरा साबुत धनिया ये सब चीज़ें डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी है, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। किसी भी कढ़ाई या पैन में आप ऑयल डाल लें डीप फ्राई करने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पकौड़े डालते जाएंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके ये मिक्सचर डालते जाएंगे पकौड़े बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद आप इसकी साइड चेंज करके देख लें। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हैं। आप इन्हें जीरे के रायते से या केचप के साथ ले सकते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।